लगता है कश्मीर में शादी के इसलिए कि घर मिलेगा, घर भी नहीं मिला। बात कश्मीर है अपना। वो था मुश्किल तक का सर। वक्षा, क्या नाम आपका? नाम क्या? अफशा ना, ऐसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं आई बैन न्यूज़ नेटवर्क के साथ। माई सियाम का महीना है, बाबरकत वाला महीना है। माई सियाम हमें बहुत कुछ दर्स देता है और ये भी दर्स देता है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो हाजतमंद है, जिसको हमारी ज़रूरत है, जो प्यासा सोता है, जो भूखा सोता है, रोज़ों के साथ साथ नमाज के साथ साथ इन लोगों तक भी पहुँचना। जी हाँ नाज़रीन, हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए थे कि भाई हमा से एक शबीर अहमद नामी का एक शख्स है जिसकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनको आज फाका लगते हैं। जी हाँ, शबीर अहमद खुद कुछ नहीं कमाते हैं और उनको जो वो फैमिली है वो बहुत बड़ी फैमिली है। तो मैं बिल्कुल आ चुका हूँ, तो चलो हम अंदर जाते हैं। ये शबीर अहमद गनाई का मकान है। जी हाँ, अब मकान कहाँ हम इसको झोंपड़ी कहेंगे, ये देख सकते हैं आप। ये त्रिपाल में एक टिन का शेड बना है जिसको ऊपर को कमाने वाला कोई नहीं है घर में, और इनके पास जो बच्चों की तादाद है वो 5-6 बच्चे हैं और यही ज़मीन का टुकड़ा है इनके पास। तो नाज़रीन चलो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं रियलिटी में क्या हालत है इस शबीर अहमद शख्स की। तो यहाँ पे एक हमारी बहन है और बच्चे 5-6 है, तो चलो बाहर ही बात कर लेते हैं। विंटर का सीजन था, इन्होंने कैसा गुजारा होगा? भाभी थोड़ा बाहर आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नाज़मा बेगम। आप इसी में रहते हैं? ठंडा में भी, इसी में, गर्मी में भी, सब में बच्चा लेकर चार पाँच बच्चे। ये मेरा आदमी नहीं कमा सकता है, हम खुद कमाते, खुद बच्चे लोग को खिलाते भी है। अफसोस की बात है, इसने सोचा था कि कश्मीर में हर एक के पास घर है, हर एक के पास मकान है, लेकिन इसका कहना यह है कि मैं जब वहां से यहां आई, यहां पे मेरे किस्मत में यही था कि ये झोंपड़ी। अच्छा, घर में कमाने वाला कोई नहीं। वो नहीं कमा सकता है, मैं ही कमाती हूँ, मैं ही खिलाती हूँ बच्चे लोग को भी। हाँ, थोड़ा सेहत उसको ठीक नहीं है, टांग उसको ये रहा। तो ये देख सकते हैं आप, वो ये एक चूल्हा है पुराने जमाने का जो यहाँ बना है, और 5-6 बच्चे हैं इनके, और इनको खुदा के सिवा कमाने वाला और कोई नहीं है। जो शबीर अहमद गनाई है वो खुद बीमार है, वो आज नहीं कमा पा रहे हैं, और ये उसकी बीवी है। इसकी फरियाद यही है कि हम बाहर से यहाँ आए थे, शौक से कश्मीर में शादी की थी, बस महज इस गर्ज को लेकर कि बाहर जो गुर्बत हम देखते हैं शायद हमें कश्मीर में वो गुर्बत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ इसका कहना है कि यहाँ हमें फिर एक बार जिल्लत की जिंदगी, गुर्बत की जिंदगी उठानी पड़ रही है। आपके पास यही एक कमरा है, तो चलो मैं अंदर चलता हूँ, देखता हूँ इनके अंदर की हालत क्या है। ये है इनकी हालत अंदर से, ये एक ही कमरा है जो कि बिल्कुल खुला है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कमरा जो है इसको टिन से बना हुआ है, टिन का शेड है, ऊपर त्रिपाल है, इस साइड भी त्रिपाल है। यही एक कमरा है जिसमें ये बिल्कुल गुजारा कर रहे हैं, जिसमें ये खाते भी है, जिसमें ये सोते भी है, और जिसके साथ साथ इनको बाथरूम की भी यहाँ किल्लत बहुत ज़्यादा है, बाथरूम भी अवेलेबल नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं यही इनके पास बर्तन है, और ये अभी भी ये बुखारी जला रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और यहाँ पे ये जो कमल नीचे हैं ये कुछ गीले मुझे महसूस हो रहे हैं। तो क्या हम लोग जवाब देंगे कल आखिरत में कि जब हमसे पूछा जाएगा क्या आप हर जगह पे पहुँच पाए,
क्या आप हर जगह पे गए जहां मोहताजों को आपकी जरूरत थी? जरा उमर से पूछिए, हजरत उमर से पूछिए, किस जब वो खलीफा थे तब किस तरीके से वो जाते थे। जब उसने एक वहां एक बूढ़ी माँ को देखा और वो हांडी के वो बर्तन में कुछ पानी लगा हुआ था और उसी को हांडी देती थी, उसके बच्चे रोते थे। और जब उमर ने कहा कि कहा अभी खाना तैयार कर रही हूँ, बोला तैयार तो हो गया है, क्यों नहीं दे रहे हो? तो वहाँ जवाब यह था, जी हाँ जवाब यह था कि इस हांडी में सिर्फ पानी है, मेरे पास कुछ नहीं है। खलीफा ने उमर फारूक ने फिर से कहा कि आप बताइए कि आप जो इस वक्त इस हुकूमत के जो खलीफा है उनसे क्यों नहीं कहा जाता है? उसने कहा उसको आखिरत में बिल्कुल जवाब देना होगा। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला उसको बिल्कुल बिजली गिर गई, बिजली जैसी महसूस हो रही। तो मुझे भी यहाँ वैसे ही महसूस हो रहा है, कल हमसे पूछा जाएगा ये शबीर अहमद नामी का एक शख्स इस दिन के शड़ में रहता है, इनको कमाने वाला कोई नहीं, ये गुजारा कर रहे हैं, इनके पास जो अयाल है उनकी तादाद 5-4 बेटियां हैं और 2 लड़के हैं, तो बड़ी अफसोस है। अब इनकी परवरिश कौन करेगा? क्योंकि शबीर अहमद गनाई नामी का ये शख्स बहुत गरीब है, बहुत लाचार है, सेहत भी ठीक नहीं है, नहीं कमा पा रहा है। यही बस इतनी ही जमीन है। आप विंटर में यहाँ ही थे? हाँ, ठंडे में भी यही, बर्फ में भी यही, सब में यही रहते हैं। सब में यही। हाँ, बच्चा 4-6-5 लेकर। तो बच्चे की सेहत भी खराब होती होगी? हाँ, बीमार भी तो होता है, उसमें आदमी भी बीमार रहता है। तो अब क्या अपील है हमारी नाज़रीन से, क्या कहना चाहते हैं आप? अब उनका शुक्रिया है, अगर कुछ कर सकती है कुछ मदद तो। आपके पासबुक है? हाँ है। तो इनसे हम पासबुक बिल्कुल अकाउंट मांगते हैं, हस्बैंड का है तो आप पासबुक दीजिए। तो इनका यही कहना है कि अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं, जी हाँ नाज़रीन ये एक इम्तिहान है आपके लिए कि आज इस बाबरकत महीने में शबीर अहमद नामी के शख्स को मदद होनी चाहिए, भरपूर मदद होनी चाहिए। और हम जल्द देखने चाहिए कि यहाँ पे ये जो त्रिपाल का लटका हुआ शड ये यहाँ पे नहीं होगा, वो तब पॉसिबल है, तब मुमकिन है जब आप नाज़रीन इसकी तावन करेंगे, जब आप नाज़रीन अजर पाएंगे और आखिरत में। नाज़रीन आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप भरपूर मावत करें इस शबीर अहमद नामी का इस शख्स, जो इसकी बीवी यहाँ पे है, कितनी रो रही है, इसके आंखों में कितने आंसू है। बहन आप टेंशन मत लीजिए, जब तक हम भाई लोग आपके साथ हैं तब तक हम आपकी मदद करेंगे। क्या नाम है आपका? जावेद अहमद गनाई। हाँ, वैसे इसी शहर में रहते हैं? हाँ। सर्दी लगती है? हाँ। हाँ? करो वो था मुश्किल मुश्किल घर इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द हम घर बना के दे देंगे, आप होनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए मुश्ताक अली बाबा को, खुदा हाफिज़।